नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य राज। देखिए, आज से जो है लोक आस्था का पर्व छठ पूजा का शुरू हो गया है। ऐसे में अब जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। पूरी तरह से तस्वीर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। वही SDRF की टीम भी लगातार जो है कैंप कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था न बिगड़े, जिसको लेकर के जो है एक एक पुख्ता इंतजाम किया गया है। बांस बल्ले लगाकर जो है बैरिकेडिंग कर लिया गया है कि उचित गहराई को देखते हुए जो है बैरिकेडिंग कर लिया गया है। कहीं भी जो है ज़्यादा गहराई में जो व्रती है, जो छठ व्रती है, जो अर्घ देगी या वो जो है मतलब ज़्यादा गहराई में ना जाए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो है जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। वही घाटों की सफाई को देखते हुए जो है नगर निगम द्वारा जो है यहाँ नगर निगम डस्टबिन लगाया गया है कि कोई भी कूड़ा कचरा जो है इधर उधर यत्र तत्र न फेंके, जिसको लेकर के जो है लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर के जो है जिला अधिकारी DM प्रणव कुमार और SSP राकेश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। रहती है तो विधि व्यवस्था किस प्रकार से रहेगा, पुलिस विभाग की व्यवस्था? छठ महापर्व को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रॉपर तैयारी की है। इसके लिए लगभग 900 पुलिसकर्मी और 300 पुलिस पदाधिकारी इसमें लगाए जा रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों ही पुलिस पदाधिकारी कर्मी की तैनाती की जा रही है। छठ घाट पे गहराई को देखते हुए जगह जगह पे बैरिकेडिंग भी की गई है। रेड मार्क भी वहाँ पे हम लोग लगाएंगे फ्लैग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त जो भी छठ व्रती लोग हैं वो लोग घाट तक पहुँच पाएँ, उनके लिए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। कई जगह रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। पार्किंग के स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है कि जो भी छठ व्रती लोग हैं उनको कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। सर, छठ पूजा को लेकर क्या तैयारी है जिला प्रशासन? छठ पूजा को लेकर के पूरे ज़िले में छठ घाटों के निर्माण पर विशेष रूप से जोर दिया गया, और आज जो शहरी क्षेत्र है उसके घाटों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और आज जो अभी हम लोग सीढ़ी घाट पर उपस्थित हैं तो बेहतर व्यवस्था है, और घाट को भी काफ़ी चौड़ीकृत और समतल किया गया है। डेंजर लेवल को देखते हुए उसको हम लोगों ने जहाँ तक बैरिकेडिंग की आवश्यकता है उसको बैरिकेडिंग भी करा दिया गया, और इसके अतिरिक्त अन्य भी घाटों का जितने भी घाट शहर में हैं उन सबका निरीक्षण आज किया जाएगा। और छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसको लेकर पार्किंग का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और आप जैसा देख पा रहे हैं सीढ़ी घाट तक जो सड़क आती है उस सड़क का भी पुनर्निर्माण कराया गया, और अन्य सड़कों को भी समतलीकरण कराया जा रहा है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बेहतर तरीके से छठ व्रती को इस बार काफ़ी बेहतर अनुभव होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था भी है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य आपदा इन सभी चीज़ों की व्यवस्था है। और जो इम्पोर्टेंट हमारे घाट है वहाँ पे कंट्रोल रूम रहते हैं, वहाँ डॉक्टर्स की प्रतिनिधि तैनाती रहती है, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड ये सारी चीज़ें उपस्थित रहती हैं, और ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सिकंदरपुर घाट से पूरी तरह से अतिक्रमण ये हो चुका, पैक हो चुका, पूरा जगह ही नहीं है, उसको कह सकते हैं? देखिए, जो घाट सामान्यतः और पारंपरिक रूप से छठ व्रतियों द्वारा प्रयोग में किए जाते हैं उन सभी घाटों को बेहतर किया जा रहा है। और जहाँ भी इस विशेष मुजफ्फरपुर शहर के लिए काफ़ी खुशी की बात है, विशेषता की बात है कि बूढ़ी गंडक नदी बिल्कुल मुजफ्फरपुर शहर के बीचों बीच जाती है, और जितने भी तालाब भी शहरी क्षेत्र में हैं, चाहे वो साहू पोखर तालाब हो या कोई भी अन्य तालाब हो, उन तालाबों का भी सौंदर्यीकरण। और तो आपने सुना जिलाधिकारी प्रणव कुमार और SSP राकेश कुमार क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह लगातार जो है शहर के एक एक घाटों का जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी व्रती को दिक्कत ना हो, जिसके लेकर के जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। वही साथ ही साथ अपील भी उनकी शांति और सौहार्द बना के जो है इस पर्व को खुशियों के साथ जो है मनाए, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो जो है यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है उससे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। भव्य बजाज लेकर आया है बुकिंग महोत्सव, जहां हर खरीद पर मिलेगा फ्री हेलमेट और स्क्रैच कूपन द्वारा सुनिश्चित उपहार। हमारा पता है 0 माइल रहुआ भैरव स्थान और आई मुजफ्फरपुर। हमारा संपर्क सूत्र है 7070190501, 7070190502, 90311, 29888।